नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 10, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे साइंस के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं। आज का हमारा विषय है लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लिविंग थिंग्स के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब न्यूट्रिशन क्या चीज होती है और किस तरह से उसे प्राप्त किया जा सकता है, इन सभी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेषज्ञ। तो बिना किसी देरी के चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप प्रोफेसर के शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि सर फॉर्मर वाइस चांसलर हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर राजस्थान से। और बच्चों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आ रही हो, कोई प्रश्न हो, कुछ और ज्यादा जानना चाहते हैं, इस चैप्टर में कहीं पर आप अटक गए हैं, तो अपनी सभी क्वेरीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं फोन कॉल के माध्यम से। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। सो वी आर वेटिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोग्राम। और हम सर आपके पास आएंगे, और शर्मा सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जब हम लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर हम भोजन क्यों करते हैं। रेणु जी, बहुत अच्छा विषय है ये 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। एक्चुअली क्या है कि न्यूट्रिशन के बारे में न केवल टॉपिक के हिसाब से, दिस इज 5th चैप्टर एंड दिस इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि व्हाई वी ईट, हम भोजन क्यों करते हैं, हमें पता होना चाहिए ना कि भोजन क्यों किया जाता है। एंड न्यूट्रिशन एक कंपोनेंट है लाइफ प्रोसेस का, सो वी रिक्वायर न्यूट्रिशन टू। ये जो मैंने आपको दिखा रखा है, एक बच्चा जो साइकिल चला रहा है, और ये साइकिल चलाने वाला बच्चा जो है ना, ये एनर्जी की इसको जरूरत है, तो जनरेट एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस। तो हम भोजन किस लिए करते हैं, बिकॉज फूड जनरेट एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस, है ना। और ये बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि ये सब भी एक्सरसाइज करते हैं, साइकिल चलाते हैं, खेलते हैं, तो उन सबके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी कहां से आती है, न्यूट्रिशन से, भोजन से आती है। दूसरा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हम जब छोटे थे, जब 1 साल के थे, 2 साल के हुए, 4 साल के हुए, 5 साल के हुए, तो हमको ग्रोथ भी होती है हमारा। देखिए, इसमें एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, और इसके बाद में ये करीब 3 साल का बच्चा हो गया जो हाथ ऊंचा कर रखा है। तो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब हम यदि भोजन नहीं करते हैं, हम फूड नहीं लेते हैं, हालांकि फूड डिफरेंट एज पर अलग अलग होता है, और मैंने दर्शा रखा है, द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। आप देखिए कितना स्वादिष्ट, सबके मुंह में पानी आ गया होगा जो हमारे स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कितना अच्छा भोजन है। बट दिस फूड कंटेन्स लॉट ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, जिसमें हमको विटामिंस मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लिपिड मिलता है, ये सारी चीजें हमें भोजन से मिलती है। यदि हम भोजन करेंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी डिफरेंट फंक्शंस के लिए, और भोजन करेंगे तो हमारी ग्रोथ होती है, और हमें नियमित रूप से भी जरूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए। तो आप ये देखें, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, आप सबके मस्तिष्क में सवाल आ रहा होगा कि लिविंग बींग्स तो बहुत हैं, प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, फंगस, प्रोटोजोअन्स, तो ये सब भोजन कैसे हमारी तरह करते हैं। सभी के तो दांत नहीं होते हैं, सभी के जीभ नहीं होती है। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विभिन्न तरीके हैं, जो मैंने इनकी बुक से ही, जो एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है, कि प्लांट्स भोजन कैसे करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की मौजूदगी में। देखिए बहुत अच्छा ये मैंने लिख रखा है, फोटोसिंथेसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट लीव्स दे सिंथेसाइज फूड, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, दे टेक सम मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स, और इसके बाद में हमको देते क्या है, दे प्रोवाइड अस वेरियस टाइप ऑफ फूड कंटेंट्स, जिसमें प्रमुख होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए कि देयर आर ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, प्लांट्स हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते ना, हम तो दूसरों का, हम प्लांट्स को भी खाते हैं। देयर आर पीपल, दे आर टेकिंग एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ देयर फूड, राइट। सो प्लांट्स क्या करते हैं, देखिए प्लांट्स क्या करते हैं, हमें इनकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, रोजाना बात करते हैं प्रदूषण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, बट दे टेक दिस कार्बन डाइऑक्साइड,
दे टेक दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीव्स, ये पत्ती मैंने दिखा रखी है, इस पत्ती के अंदर बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, और वो स्टोमेटा को मैं अब डिटेल में बता रहा हूँ, आप ये देखें इसको मैंने और ज्यादा डिटेल में, दिस इज द पिक्चर फ्रॉम देयर बुक, ये कोई मैंने अलग से कोई तैयार नहीं किया है। देखिए स्टूडेंट्स को, हमारे दसवीं के स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि व्हाट दे आर स्टडिंग इज द ऑथेंटिक सोर्स, और उस ऑथेंटिक सोर्स को ही हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये बोर्ड की परीक्षा के अंदर इसमें अच्छे मार्क्स आए। यू कैन सी दिस इज अ स्मॉल पोर दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, है ना, ये पत्ती है पौधे की जिसके अंदर ये छेद दिखाई दे रहा है, और इसको दो ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो इस ओपनिंग को कंट्रोल करती है। देखिए खुली हुई है, ये क्लोज है, तो व्हेन प्लांट्स दे इवेपोरेट वाटर देन दी होल और दी स्मॉल दिस एरिया इज ओपन, बट रेस्ट ऑफ द टाइम दे कीप इट क्लोज। इस तरह से प्लांट क्या करते हैं, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के लेते हैं, क्लोरोफिल इनके अंदर होता है, इन द सेल्स ऑफ द प्लांट्स देयर इज अ क्लोरोफिल, इट्स अ पिगमेंट। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट दिस क्लोरोफिल कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज C6H12O6 एंड रिलीजेस 6 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। आप देखिए कितनी खूबसूरत है, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर, that they are taking the harmful gas that is carbon dioxide, they are using the water और इसकी सहायता से ये ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज फिर स्टोर फूड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है सेल्युलोज में, स्टार्च में, और हम आलू खाते हैं, है ना, सब लोग आज मेरे ख्याल में कुछ ने तो आलू की सब्जी भी खाई होगी। सो दिस पोटैटो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट दैट इज सिंथेसाइज, है ना। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ एक छोटी सी एक्टिविटी के बारे में, बहुत बढ़िया इन्होंने एक्टिविटी के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि जब आप प्लांट को टेक ए पॉटेड प्लांट विद वेरिएटेड वेरी जेनरेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटन, कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर 3 डेज सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। जब सारा स्टार्च यूज हो जाता है तो यदि हम वहाँ आयोडीन डालते हैं तो वो स्टेन नहीं लेता है, आयोडीन स्टार्च को स्टेन करता है। तो ये एग्जांपल दिखा रखा है कि व्हेन यू कीप द प्लांट इन ए डार्क एरिया व्हेन ऑल द कार्बोहाइड्रेट और द स्टार्च इज कंज्यूम्ड देन यू डोंट सी द स्टार्च, बट इफ यू ब्रिंग द लीफ अगेन इन द सनलाइट तो उसमें ये दिखा रखा है। बहुत बढ़िया एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, टेस्टिंग ए लीफ फॉर स्टार्च, एक पत्ती के अंदर स्टार्च होता है या स्टार्च बनाती है, उसका बहुत अच्छा सिंपल तरीका है। देखिए बुक में जो दे रखा है इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है कि बॉइलिंग वाटर के अंदर पत्ती को डाल दो, है ना, लीफ को डाल दें, फिर इसके बाद में इसके अंदर इथेनॉल डालें, इथेनॉल इज अल्कोहल। तो ये देखें ये इससे इथेनॉल से क्या होता है कि पत्ती बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसी हो जाती है, और ये सब किसी भी शिक्षक की मौजूदगी में करना चाहिए, खुद अपने आप नहीं करना चाहिए। देन यू ब्रिंग दिस लीफ इन द प्लेन वाटर देन यू पुट ए ड्रॉप ऑफ स्टार्च, देखो पत्ती को बाहर अपने स्लाइड पर रख दी और यहाँ पर स्टार्च डालें तो आप देखेंगे कि व्हेन स्टार्च इज प्रेजेंट देन इट इज कलर्ड विद आयोडीन सॉल्यूशन, जब स्टार्च मौजूद होता है ना ये मौजूदगी दिखाती है कि पत्ती के अंदर स्टार्च बनता है। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो स्टार्च का निर्माण होता है। ये भी एक एक्सरसाइज इन्होंने दे रखी है अपनी एनसीईआरटी के बुक के अंदर, देखो कितना बढ़िया, वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चे पूछेंगे बुक में लिखा हुआ है यू पुट दी पेट्री डिश विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन ए वॉच ग्लास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद में उसके अंदर वो थोड़ी सी मुरझा जाती है, बट विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखिए बिल्कुल खिली हुई है पत्तियां, यानी ये मुरझाई नहीं है, फूल खिला हुआ है। तो ये भी करके देखा जा सकता है कि हम एक छोटा सा कंटेनर लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लें, KOH लें, और उसके बाद में दिखाने का मतलब यह है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब बात आई हमारी, हमको नहीं बनाते अपना खाना, सो द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी। बहुत बढ़िया सेंटेंस मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए लिखा है कि किस वातावरण में रहते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या खाते हैं। तो देखिए हम गाय को देखते हैं, भैंस को देखते हैं, बकरी को देखते हैं, ना वो पत्तियां खाती हैं, आपने देखा होगा, प्लांट सोर्स को खाती हैं, हरिण भी जंगल में देखते हैं,
तो दे टेक प्लांट एज ए सोर्स, और प्लांट के अंदर उपस्थित जितना भी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है उसको वो पचा लेते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वेयर एज दोज काइंड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज डन बाय द प्लांट्स उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटीरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी फंगस होती हैं, ये फंगस क्या करती हैं कि जैसे प्लांट पर चिपकी रहती है, मशरूम को भी आप जानते होंगे प्लांट पर उगती हैं, ये क्या करते हैं कि अपने कुछ एंजाइम्स की सहायता से उस प्लांट मटेरियल के सरफेस को ब्रेकअप कर देते हैं अपने एंजाइम्स की सहायता से और उसको फूड के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। वेयर एज इन आवर केस, मेरे अंदर तो क्या है, अभी मैंने खाना खाया था थोड़ी देर पहले, तो नाउ आई टेक द फूड, दैट फूड गोज इन साइड माई स्टमक एलिमेंट्री कैनाल, इसका पूरा प्रोसेस दिखा रखा है। बट देर आर सम ऑर्गेनिजम्स, मैं दिखा रहा हूँ, ये दिस इज द पिक्चर दैट इज गिवन इन द बुक। देखिए रेणु जी, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बहुत बढ़िया तस्वीर में लेकर आया था, वीडियो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अपन पानी के एक बूंद को यदि स्लाइड पर रख के माइक्रोस्कोप के अंडर में देखें, वो आपको बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे इंक्लूडिंग द प्रोटोजोअन्स, ये प्रोटोजोअन क्या करते हैं कि पानी के अंदर उपस्थित जो भी फूड मटीरियल होता है, जैसे छोटे बैक्टीरिया है या पैरामीशियम है, ये इसने अपने चारों तरफ एक छोटा सा ये एक चैनल आगे बढ़ाया, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, तो बच्चे आगे क्लास में पढ़ेंगे, और यहाँ ये जानवर फंस गया, ये पैरामीशियम फंस गया, अब इसको प्रोटोजोआ ने खा लिया। सो न्यूट्रिशन इज डिफरेंट, सो प्लांट्स दे हैव ए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बट द एनिमल्स लाइक प्रोटोजोआंस, एनिमल्स लाइक अस, वी आर हेटरोट्रॉफिक, जो कि हमारा भोजन हम लेते हैं, इंटेक करते हैं, और ये भोजन, अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी दिखाता हूँ, ये एक्टिविटी इससे रिलेटेड है कि और ये बच्चों को सीखना चाहिए कि जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या है, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। मैंने तो कई बार देखा बच्चे क्रिकेट खेलने गए और एक ब्रेड का टुकड़ा मुँह में डाल लिया और उसको चबा रहे हैं, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। हमारे मुँह के अंदर एक बहुत बढ़िया एंजाइम होता है अमाइलेज, है ना, और जब भी अपन भोजन को चबा चबा के खाते हैं तो हमारे सलाइवा में उपस्थित जो अमाइलेज एंजाइम होता है वो उस भोजन को छोटे छोटे पीसेस के अंदर, इट इज ब्रेकिंग डाउन, देयर इज डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन आवर माउथ। अब मैं आपको ये जो दिखा रखा है ना, इसको प्रयोग करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यह लेफ्ट साइड की जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर पानी के अंदर हमने स्टार्च डाला, सो इट इज अ वेरी वीक स्टार्च सॉल्यूशन, और दूसरे में भी स्टार्च डाला, परंतु दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लार नहीं डाली, पहली वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लार डाल दी थी, सलाइवा, है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि आई एम पुटिंग माई सलाइवा, मैं टेस्ट ट्यूब को, प्लीज फोकस कैमरा ऑन मी, तो यहां पर इसमें स्टार्च है, दिख रहा है आपको? जी सर। इज इट विजिबल? क्वाइट विजिबल सर, क्वाइट विजिबल। सो देयर इज अ स्टार्च सॉल्यूशन एंड आई पुट सलाइवा, सलाइवा तो जो हमते हैं थूक जिसको बोलते हैं जी, और उसको अच्छे मतलब साफ सुथरे तरीके से करना चाहिए, नहीं मुंह से लेके थूक दिया उसके अंदर, प्रॉपरली एट द सलाइवा, ठीक है। और यहाँ पर लार थी यहाँ पर, और स्टार सॉल्यूशन था, पानी था, और इसमें डाइजेशन शुरू हो गया, देखो ये चालू हो गया डाइजेशन। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सलाइवा नहीं डाला है ना, देयर इज नो सलाइवा, ओनली स्टार्च इज देयर, है ना, इज इट विजिबल? यस सर। ओनली स्टार्च एंड वाटर इज देयर बट नो सलाइवा, यानी कि यहाँ पर डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो अब ये टेस्ट करना है कि डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो अब मैं इसके अंदर एक आयोडीन की बूंद डाल रहा हूँ, देखो आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं, सो मैं इसके अंदर आयोडीन की बूंद डाल रहा हूँ जहां पर कि स्टार्च का डाइजेशन नहीं हुआ, देखो एक बूंद आई है, दिख रहा है आपको, है ना, और स्टार्च को इसने स्टेन कर लिया, बिकॉज आयोडीन कैन स्टेन स्टार्च वेरी इजीली। जबकि यहां पर मैंने सलाइवा डाला था, देखिए दोनों टेस्ट ट्यूब्स को देखें, लेफ्ट ये वाली जिसको मैं उंगली हिला रहा हूं ना, मैं लेफ्ट राइट नहीं बोल रहा हूं, जहां पर मैं उंगली हिला रहा हूं इसके अंदर सलाइवा था, इसने डाइजेशन कर दिया, स्टार्च था, तो यहां पर जब मैंने डाला आयोडीन डाला तो इसने कोई कलर नहीं दिखाया, देयर इज नो कलर,
यस सर, बट वेयर आई डिड नॉट ऐड सलाइवा, मैंने सलाइवा ऐड नहीं किया था, वहां स्टार्च यों का यों बरकरार था और इसने आयोडीन के साथ में कलर दिया। तो ये बहुत बड़े बढ़िया प्रयोग है और हमें आराम से ये करके देख सकते हैं, दैट इज शोन इन द बुक्स। सो सलाइवरी डाइजेशन हैज बीन शोन इन द बुक्स कि हाउ सलाइवा इज डाइजेस्टिंग। अब मैं आपको ये बहुत बढ़िया तस्वीर है, ये सब बच्चों को देखना चाहिए, दिस इज ए पिक्चर इन द बुक कि हमारे अंदर भोजन किस तरह से होता है ना। जैसे सब बच्चे भी अभी देख रहे होंगे, उन्होंने खाना भी खाया होगा, उनको पता लग रहा होगा कि एनर्जी कहां से आई। सो आई स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, ये पार्ट्स को मैं बता रहा हूं, यू जस्ट फोकस ऑन द लेफ्ट साइड टंग। सो टंग से हम खाने को दाएं बाएं घुमाते हैं, दांतों से चबाते हैं और ये जगह को बोलते हैं बकल कैविटी और माउथ। यहां से ये फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप इज ए नॉर्मल टर्मिनोलॉजी, ईसोफेगस भी बोलते हैं फूड पाइप। यहां से भोजन जाता है, यहां पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, फूड इज नॉट डाइजेस्टेड हियर। फूड का डाइजेशन कहां शुरू होता है, स्टमक के अंदर। ये देखिए लिख रखा है ना स्टमक, ये स्टमक के अंदर भोजन का पाचन होता है और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद करता है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन का यहाँ पर पाचन होता है और यहाँ से पचता हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। देखो ये छोटी दिखाई दे रही है ना, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी दिखाई दे रही है, इट्स ए लार्ज इंटेस्टाइन। और बीच में पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के बारे में सब जानते हैं आजकल, क्योंकि पैंक्रियाज के अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड के खराब होने की वजह से शुगर का डाइजेशन नहीं हो जाता है, तो जो इंसुलिन का निर्माण करती है। तो यहाँ पर ना केवल इंसुलिन बनाने का काम करती है पैनक्रियाज, परंतु इसमें डाइजेस्टिव जूस भी बनाने की क्षमता पाई जाती है। सो फूड व्हेन पासेस फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट गेट्स द जूस फ्रॉम द लिवर, दैट इज द बाइल। देखो यहाँ दिखाई दे रखा है, बाइल डक्ट दिखाई दे रखा है ना, और यहाँ पर खाना आता है और यहाँ पर मेजर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मैं बताने का अभिप्राय यह है बुक के अंदर कि हमको भोजन आराम से करना चाहिए, पचाना चाहिए, दांतों से अच्छी तरह चबाना चाहिए। राइट साइड में मैं छोटा सा ये एनिमेशन दिखा रहा हूँ, फूड इज एंटरिंग, इट इज पासिंग थ्रू द ईसोफेगस, इट इज गोइंग टू द स्टमक, और स्टमक से होता हुआ देखो ये खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया, डिफिकेशन जो लैटिन के रूप में जो भी अपच सामान है वो बाहर चला जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि हमारे स्टूडेंट्स को आना चाहिए, इस प्रोसेस के माध्यम से ये समझ जाते हैं कि हमें डाइजेशन क्यों करना चाहिए। अब मैं ये लास्ट स्लाइड है और ये बहुत जरूरी आपको बताने के लिए, ये बॉक्स में दे रखा है आपकी पुस्तक में, डेंटल कैरीज, जो बच्चे रात को चॉकलेट खा के सो जाते हैं, नियमित रूप से ब्रश नहीं करते, देखो ये काले काले धब्बे हो गए ना, दीज आर द डेंटल कैरीज। और ये क्यों होता है कि जब फूड पार्टिकल्स यहाँ चिपक जाते हैं, तो ये फूड पार्टिकल्स जब चिपकने के बाद में रात को बैक्टीरिया बाहर निकल के आते हैं, वो कहते हैं आज तो आनंद आ गया, वी गॉट लॉट ऑफ फूड, और वो दांत को डैमेज करते रहते हैं। तो दांत डैमेज हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, हम चिल्लाते हैं मम्मी दांत में दर्द हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यू गो एंड डू ब्रश एवरी नाइट व्हेन यू गो फॉर द बेड, बिस्तर में जाने से पहले, सोने से पहले ब्रश करें। और ये तरीका दिखा रखा है मैंने, बहुत बढ़िया एनिमेशन लिया है, इस तरह से गोल गोल घुमाना चाहिए, है ना। कई बार हम ब्रश करते हैं, कई लोगों को ब्रश करने का भी तरीका पता नहीं होता है। तो रेणु जी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज वी आर अप्रोचिंग क्लोज टू अवर टाइम। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर वी डिडंट गेट एनी क्वेश्चंस येट, बट अगर आपको जो भी बात है, जो कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप हमारे सभी व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल, ये हमारे सारे ऑडियंस के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं जी, द इंपॉर्टेंस ऑफ द फूड, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक। एक दूसरा मैंने देखा, there are people, because in our traditional system, people say that immediately after taking food, खाना खाने के तुरंत बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, है ना? Because when digestion is going on in the stomach, so when you are taking the water immediately, कई लोगों की क्या आदत होती है, एक टुकड़ा खाया और फिर तुरंत एक गिलास पानी पी लिया, फिर पानी पी लिया खा लिया। I don't think this is a good
हैबिट, बिकॉज व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट द डाइजेशन इज गोइंग ऑन इन द स्टमक, तो हमको इंतजार करना चाहिए थोड़ा देर के, भाई इसको डाइजेशन होने दो और फिर पानी पी लो, तो उसमें डाइजेस्टिव जूस डाइल्यूट नहीं होते. तो ये और कोई इफ देयर इज अ क्वेश्चन प्लीज बाय दिस. सर अगर हम अपने सभी ऑडियंस को जी सर अगर हम अपने सभी बच्चों की बात करें जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स अभी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्स जो है उनके चल रहे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए न्यूट्रिशन फूड लेना, न्यूट्रिशियस फूड लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो हम आपसे एक बार फिर ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी क्लास के हों, स्टूडेंट्स हैं, इनको सर न्यूट्रिशन फूड वो क्या क्या ले सकते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है उनके लिए लेना सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे. जी वेरी गुड. एक्चुअली क्या है कि हमारे खाने के अंदर वी शुड हैव ग्रीन वेजिटेबल्स, वी शुड हैव पल्सेस, वी शुड हैव फ्रूट्स आल्सो. सम पीपल दे आल्सो पुट फ्रूट्स नियर बाय. देखिए मैंने तश्तरी दिखा रखी है ना, एंड सो गुड फैट एज वेल, आर ऑल द जर्मिनेटिंग सीड्स भी है यहाँ पर. वी शुड पे अटेंशन दैट एक तो जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये पिज्जा बर्गर और ये बहुत सारी चीजें आई डोंट अप्रिशिएट एंड इट इज ऑल्सो एडवाइज बाय द डॉक्टर्स, बट वी शुड नॉट टेक द जंक फूड. लेकिन वो खाने जैसे पल्सेस है, कई बार अंकुरित चने, अंकुरित दाल वगैरह हम खाते हैं, दाल का अच्छा सेवन करना चाहिए. एंड दोज पीपल हु आर टेकिंग द नॉन वेज इन देयर डाइट, दे शुड ऑल्सो कंसल्ट द डॉक्टर दैट व्हाट आर द बेस्ट नॉन वेज डाइट्स अवेलेबल. वी शुड यूज कर्ड ऑल्सो. कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे खाने के अंदर कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स या ऐसे खाना होना चाहिए जिसमें रेशे हो, फाइबर्स हो. फाइबरस फूड के साथ में हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, फूड अच्छी तरह पास होता है, हमारी आंतें बिल्कुल सही रहती हैं. एंड वी शुड सी दैट आवर फूड हैज गॉट इनफ विटामिन्स, वी शुड हैव इनफ मिनरल्स इन आवर फूड, नॉट ये नहीं कि बहुत ज्यादा सॉल्ट भर लिया. वी शुड हैव इनफ क्वांटिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, जैसे कि रोटी से अपन को मिलती है. एंड वी शुड ऑल्सो हैव enough quantity of the lipids. ये नहीं कि बिल्कुल कहीं देख लिया कि घी और तेल खाने से ये नुकसान होता है, I don't think. We should have adequate amount. देखिए कहने का मतलब है कि सब चीजों की थोड़ी थोड़ी मात्रा होनी चाहिए और इसके सहायता से हमें न केवल एनर्जी मिलेगी, अच्छी एनर्जी मिलेगी, भोजन का अच्छा डाइजेशन होगा. और जो कैरी ऑन मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए और सभी के लिए जो देख रहे हैं कि इन द इवनिंग और इन द नाइट आफ्टर फूड हमको ब्रश करना चाहिए जिससे कि हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे डेंटल कैरीज ना करें. बहुत अच्छे से आपने आंसर किया. और जैसे आपने कहा कि बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए ताकि उनका डाइजेशन भी ठीक रहे, और क्योंकि उनकी एक ग्रोइंग एज है तो यहाँ पर उन्हें जंक से अवॉइड करना चाहिए. जंक फूड आप अवॉइड करें, आप हेल्दी फूड लें और हेल्दी फूड खाने की आदत डालें. और जैसे सर ने कहा कि रात को ब्रश जरूर करें क्योंकि डेंटल हेल्थ भी हमारे ही हाथों में होता है, उसे मेंटेन करके रखना. और सर इट्स टाइम फॉर मी टू रैप अप दिस सेशन, लेकिन हम शर्मा सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे. थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर. थैंक यू वेरी मच. एंड आई एम श्योर दैट द स्टूडेंट्स नाउ दे विल पे अटेंशन ऑन देयर न्यूट्रिशन, देयर डाइट, एंड दे विल ग्रो, बिकॉज़ हेल्दी माइंड स्टेज इन द हेल्दी बॉडी. यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका. और ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. आपने इतने अच्छे से इतने अच्छे तरीके से ये सभी बातें हमारे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर की. आई एम क्वाइट श्योर ये पूरा चैप्टर उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और हम ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आर साइड एज वेल डियर लर्नर्स आपको अपने एग्जाम्स के लिए. तो आप हेल्दी रहें और अच्छे से अपने एग्जाम्स करें और आप बने रहें ई विद्या चैनल्स के साथ. हम बता दें आपको कि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे जो कि मैथमेटिक्स के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए. और हमारा टॉपिक रहेगा ट्राइंगल्स पार्ट 4 और इस पर आपको जानकारी दी जाएगी. तो अपना साथ जरूर बनाएं. अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति. नमस्कार.